हेलो डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू अ सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी इन इट व्हाट यू हैव टू डू हेयर यू कैन सी सम लेटर्स आर रिटन हेयर इट इज शन ओके सो यू हैव टू फाइंड सम वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर माय एल्डर ब्रदर एंडिंग विद शन. आपको माई एल्डर ब्रदर वाले चैप्टर में से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि शन यानी टी आई ओ एन से एंड होते हैं. जिसे मैंने जो ढूंढे हैं, फर्स्ट वन इज एजुकेशन. देखिए ये टी आई ओ एन से एंड होता है. नेक्स्ट इज फाउंडेशन. ओके एजुकेशन फाउंडेशन. सो दीज वर्ड्स आर एंडिंग विद शन. अगर आपको बुक में से नहीं मिलते हैं देन यू हैव टू राइट टू वर्ड्स योर सेल्फ. अपने आप दो वर्ड लिखेंगे एंडिंग विद शन टी आई ओ एन. ओके सो जो बेटा ये जो एजुकेशन है और जो फाउंडेशन है ये क्या है? दीज आर नाउन्स. ये नाउन्स हैं. इन द सेम वे नेक्स्ट वी टेक द वर्ड फुल. ओके नाउ यू हैव टू सर्च वर्ड्स एंडिंग विथ फुल जो कि फुल से एंड होता है. जैसे आई हैव फाउंड द वर्ड सक्सेसफुल. इट एंड्स विद फुल. नेक्स्ट वन इज ब्यूटीफुल. ओके सक्सेसफुल ब्यूटीफुल. अब आपको टू वर्ड्स और लिखने हैं दैट एंड विद फुल. ओके यू हैव टू सर्च दीज वर्ड फ्रॉम द चैप्टर माई एल्डर ब्रदर. अगर आपको उसमें से नहीं मिलते हैं देन You have to write two words yourself. So, successful and beautiful. ये दोनों भी क्या है? ये भी बेटा nouns है. Okay? Now, here comes ly. Okay? Ly. So, now here, two words are here ending with ly. Exactly. And properly. Okay? Exactly and properly. Student, I have told you, जो words ly से end होते हैं जैसे exactly और properly जैसे word हैं, these are called adverbs. Okay? ये क्या होते हैं? Adverbs होते हैं. Now, what you have to do? Now, it's your work. आपको उनसे दो दो वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपको मैंने बताया. क्या बताया है? एलवाई से आपको दो वर्ड अपने आप लिखने हैं, फुल से लिखने हैं, दो मैंने बता दिए हैं, और शन से लिखने हैं. ओके तो सिक्स वर्ड्स तो आपने ये अपने आप लिखने हैं. उसके बाद आईएनजी बहुत सिंपल है, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. आईएनजी से लिखने हैं आपको फोर वर्ड्स ending with ing from the chapter my elder brother and four words ending with the ity जैसे regularity, punctuality, simplicity. इस तरह से आप chapter में से find करेंगे four words ending with ity, ing and two words ending with tion, ending with ful, full and ending with ly. Okay? Thank you.